दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ट्रेडिंग प्लान के बारे में। अगर यदि सर यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे नए हो या फिर यहाँ पे आप पहले से ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर यदि लॉस हो रहा है सर तो मैं जो आज ट्रेडिंग प्लान बताने वाला हूँ ना, आप इनको करके देखिए। अगर यदि आप ट्रेडिंग में कुछ बड़ा करना चाहते हैं या फिर आप लाइफ टाइम तक ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सर यहाँ पे क्या है ना, इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि सर यहाँ पे देखिए, अगर यदि आपको अभी क्या करना है पता ही नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आप लॉस करोगे सर, और लॉस करोगे 2 महीने 3 महीने बाद आप लॉस करोगे ही करोगे। चाहे 40,000 डालो, चाहे 50 डालो, चाहे 10,000 भी डालो, अगर यदि आपको लगता है कि हम अभी प्रॉफिट कर रहे हैं और इन बातों को ध्यान पे नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं आगे जाके लॉस कर दीजिएगा सर। अगर यदि आप एक बार फंड लॉस करोगे फिर आपका माइंड खराब होगा, डिप्रेशन में जाओगे, फिर आपको ट्रेडिंग करने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो सर यहाँ पे अपने को जानना जरूरी है कि अभी अपने को क्या करना है जिससे कि ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट हो, और यहाँ पे मैं आप सभी को किस प्रकार से हेल्प कर सकता हूँ वो चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सर। पहले यहाँ पे जान लेते हैं ट्रेडिंग प्लान क्या है। इस ट्रेडिंग प्लान के साथ सर यहाँ पे अगर आप इसको फॉलो करोगे ना, डिसिप्लिन को, जो मैं यहाँ पे डिसिप्लिन बताने वाला हूँ, इससे सर आपके ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ही हेल्प होगी। आपको इस वीडियो को अगर यदि देख के फॉलो करते हैं सर तो आप मात्र यहाँ पे $20 ₹1600 2000 से भी स्टार्ट करके आप यहाँ से लाखों रुपये बना सकते हैं सर। प्लस जो चीज़ें आप सीखोगे ना, एक्सपीरियंस नॉलेज, वो तो अलग की चीज़ है सर, ठीक है। देखिए सर यहाँ पे मैं आप सभी को पहले समझा देता हूँ कि अभी आप ट्रेडिंग अगर यदि करने के लिए आए हो, ठीक है सर, ट्रेडिंग से आप पैसा कमाना चाहते हैं सर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सीखना पड़ेगा, ठीक है सर, एजुकेशन लेना पड़ेगा। सीखने के लिए या तो आप किसी का कोर्स बाय कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं, या फिर सर एक बेस्ट ऑप्शन आप सभी को जो मैं हेल्प करने वाला हूँ फ्री में, मैं आप सभी को बेसिक टू एडवांस लेवल की जो चीज़ें आप पैसे दे के सीखोगे ना उससे भी हाई लेवल की चीज़ मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग सिखा रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैं यहां पे कैसे सिखाता हूं नहीं सिखाता हूं आप टेलीग्राम पे आइए सर, 1 से 2 दिन आइए, आपको पता चल जाएगा कि यहां पे मैं किस प्रकार से आपको टेलीग्राम मीटिंग के माध्यम से फ्री में बिल्कुल एडवांस लेवल की चीज़ें मैं सिखाता हूं सर। आप आके वहां पे सीख सकते हो, सीख के आप ट्रेडिंग कीजिए सर, आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी सर यहां पे अपने को सीखना है, एजुकेशन लेना है, ठीक है। अभी सर मैं यहां पे 10 महीने की मैं यहां पे प्लान देने वाला हूं सर, ठीक है। अगर यदि सर इस प्लान को आप फॉलो कर लेते हैं ना तो फिर सर आप ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। बेसिकली सर नए लोग गलती क्या करते हैं ना, सीखते नहीं है। अगर यदि आप लॉस कर रहे हो मार्केट में सर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो, सीखे नहीं हो। तो यहाँ पे अभी सीखते हुए सर ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे आपको क्या है ना, 20% ट्रेडिंग करना है सर, ठीक है। 20% यहाँ पे पैसे कमाने पे ध्यान देना है सर, ठीक है। और सीखने में सर यानी एजुकेशन करने में यहाँ पे हमको 80% टाइम देना है सर, 20% टाइम देना है ट्रेडिंग को सीखने में, और सॉरी ट्रेडिंग करने में और ट्रेडिंग से पैसा कमाने में। लेकिन सर सीखने में हमको अभी 80% टाइम देना है, ठीक है। इस सर यहाँ पे जो मैं प्लान बताने वाला हूँ यहाँ पे सर आप $20 से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं ना, देखिए आपको सर यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके 10-12 वीडियो होगा सर, उसको देख लीजिएगा, बेसिक जानकारी वहाँ पर मिल जाएगा। उसको देखने के बाद अगर यदि आप यहाँ पे $20 से भी स्टार्ट करते हैं ना सर, तो आराम से यहाँ पे जो मैं प्लान बताया हूँ इसमें आप सर आराम से पैसे कमा सकती हो। बाकी सर अभी जो अपना मेन काम है ना वो है सीखना, तो आप सीखिए, चाहे मेरे से सीखिए, YouTube में सीखिए या फिर किसी का कोर्स लेके सीखिए, उससे सर यहाँ पे क्या है ना आपको सीखने को मिलेगा सर। लेकिन सर मेरा मकसद है किसी का कोर्स लेने से अच्छा है सर कि जो चीज़ें मैं फ्री में सिखा रहा हूँ ना वही चीज़ें वो वहाँ पे बताएंगे, उससे भी कहीं मैं एडवांस लेवल की चीज़ें बता रहा हूँ सर, जो चीज़ें कोर्स वाले लोग बाद में बताएंगे जब आप लॉस कर दीजिएगा तब वो बताएंगे। लेकिन मैं जो चीज़ें ना
आपको पहले बता रहा हूं ताकि आप लॉस ना करो, ठीक है सर। यहां पे देखिए, आपको सर $20 यहां पे आप स्टार्ट कर सकते हो सर। अगर दिया बिल्कुल नहीं हो तो पहले आप सीखिए, एक महीने का क्लास लीजिए, 15 दिन 20 दिन सीखिए। सीखने के बाद, बेसिक जानकारी होने के बाद, बाय सेल SLTP कैसे लगाना है वो सब चीज़ें यहाँ पे, सपोर्ट असिस्टेंट, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, हैमर, शूटिंग स्टार यानी कि कैनलिस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, इम्पोर्टेंट, मूविंग एवरेज, ये सब जानने के बाद सर अगर यदि आप $20 डालते हो ना, तो मैं यहाँ पे आप सभी को सर यहाँ पे बता दूँ कि ये चीज़ें, ये प्लान को आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे तो बिल्कुल अचीव कर सकती हो। इसमें सर आपको फॉलो कैसे करना है, पहले सर यहाँ पे अगर यदि आप $20 डालते हैं तो $20 में सर एक दिन में सर यहाँ पे लॉस जो है ना आपको $5 रखना है सर। ये पहले महीने की बात कर रहा हूँ, अगले महीने आप बढ़ा सकते हो लॉस को, ठीक है। एवरी मंथ सर आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि सर एवरी मंथ आपका पैसा यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है सर, ठीक है। ये चीज़ें हैं, आप यहाँ पे लॉस को सर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें देखिए, $20 से भी सर यहाँ पे कोई बंदा स्टार्ट करता है बिल्कुल 1600-1700 में ये आ जाएगा। आपको क्या करना है सर, पहला मंथ में सर यहाँ पे 0.01 का लोड साइज लेना है सर, ठीक है। 0.01 का लोड साइज लेना है और डेली का जो प्रॉफिट सर सिर्फ यहाँ पे $2 अपने को टारगेट रखना है, ठीक है सर। और ट्रेड तभी लेना है सर जब आपको ट्रेड मिलेगा, ठीक है। आपके सेटअप पे, आपका चाहे जो भी सेटअप है या फिर अभी तक जो सीखे हैं, अगर यदि सपोर्ट रेसिस्टेंस ही सीखे हैं तो मार्केट अगर यदि ऊपर से सपोर्ट पे आया तो यहाँ पे आप बाय कीजिए और ये ऊपर जाएगा सर रेसिस्टेंस पे, आपका प्रॉफिट देगा। फिर आप यहाँ पे सेल कीजिए, नीचे आएगा, प्रॉफिट देगा। तो आप इसको भी फॉलो कीजिए, या फिर हैमर कैंडल पढ़े हैं तो हैमर कैंडल को देखिए। यानी कि सर अभी तक जो आप सीखे हैं ना उसी को फॉलो कीजिए और वो चीज़ मार्केट में मिलेगा तब ट्रेड लीजिए। यानी कि सर अभी हमको सीखना है, यानी कि डेली का सर $2 पहला मंथ में हमको करना है, ठीक है। दूसरा मंथ में सर 0.01 का ही लोड साइज लेना है और दूसरे मंथ में भी सर यहाँ पे हमको $2 ही डेली करना है सर, ठीक है। देखिए पहले मंथ में सर यहाँ पे मंथ जो है सर यहाँ पे ट्रेडिंग का 22 दिन का होता है, फिर भी मैं यहाँ पे 2 दिन आप चाहे मत करो ट्रेडिंग, छुट्टी मना लो, जो भी कर लो, या फिर किसी कारण से ट्रेडिंग नहीं कर पाए हैं, फिर भी मैं यहाँ पे 20 दिन मानता हूँ सर। तो 20 दिन अगर यदि आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं सर, ठीक है, 20 दिन में तो आपका पहला महीना में $40 होता है सर डेली का $2 के हिसाब से। तो सर यहाँ पे देखिए लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, ओवरऑल सर हमको प्रॉफिट करना है $2। पहला ट्रेड लिए सर $1 लॉस हो गया, दूसरा ट्रेड लिए फिर $1 लॉस हो गया, तो अभी सर $3 अपने पास बचा हुआ है ना ट्रेड करने के लिए। तो इस बार यहाँ पे $3 से आप $2 प्रॉफिट में आ सकते हैं सर। अगर यदि आप 5 ट्रेड ले रहे हैं, पांचों का पांचों में लॉस हो रहा है सर, तो फिर अभी आपको सीखने की ज़रूरत है, अभी और थोड़ी सी सीखिए सर, नॉलेज लीजिए, ठीक है। ये चीज़ है सर। तो अभी सर यहाँ पे $2 आज ऐसे प्रॉफिट आ गया अपना। अब आपको क्या करना है, रियल अकाउंट में ट्रेडिंग नहीं करना है, अब आपको जाना है डेमो अकाउंट में और आपको सीखना है सर नए नए चीज़ें। देखिए कि और ट्रेडिंग करने के लिए क्या सीखना होता है, ठीक है, ट्रेडिंग कैसे करें, बड़ा प्रॉफिट कैसे करें, ट्रेडर सक्सेसफुल का सर आप जाके स्टोरी देखिए, पहले वो बड़ा लॉस करके कैसे वो रिकवर करते हैं, लॉस रिकवर कैसे करें, नया नया चीज़ सर आप सीखिए, ठीक है, ताकि सर आपको यहाँ पे एजुकेशन मिले अच्छे तरीके से। मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ सर, आप मेरे मीटिंग में ज़रूर आइएगा, रात को 8 बजे करता हूँ, ठीक है। उसके बाद सर दूसरा यहाँ पे मंथ में भी यहाँ पे $2 डेली करना है सर। आप देखिए 2 महीने में आप $100 कर लीजिएगा सर, ठीक है। 3 महीने में सर अगर इस रूल को फॉलो करते हैं, 3रा महीना में 0.01 का ही लोड साइज लेना है सर, आपके पास यहाँ पे हो जाएगा सर यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा $100। तो आप सर $100 में डेली का $4 आराम से निकाल सकते हैं सर, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे 4थे महीने में सर आपके पास यहाँ पे $5 महीने का निकाल सकती हो, जिससे कि $280 हो जाएगा सर। तो आप यहाँ पे देखिए 6ठे महीने में सर $500 हो जाएगा, 7वें महीने में सर यहाँ पे $600 हो जाएगा। और जो चीज़ें सर मैं बताया हूँ ना, इतना हार्ड ही नहीं है सर। सबसे जो यहाँ पे लो है, जो कि कोई भी बंदा इसको अचीव कर सकता है सर आसान तरीके से, मैं यहाँ पे लोड साइज भी बताया हूँ और यहाँ पे सर आप सभी को सारे चीज़ बताया हूँ, डेली का प्रॉफिट और लॉस। आप बताइए ना सर, अगर यदि देखिए 7वें महीना में किसी के पास $600 होगा, तो 8वें महीना में वो यहाँ पे 0.01 से लेकर 0.02 का ही लोड साइज लेगा, ठीक है।
और एक बार में सर आपको एक ही ट्रेड लेना है, क्लोज करने के बाद दूसरा ट्रेड लेना है। अभी डिसिप्लिन में मैं जाऊंगा तो बताऊंगा। $600 में सर आपको डेली का $8 निकालना है। क्या नहीं निकलेगा? आराम से निकलेगा सर। तो $160 हो जाएगा आठवें महीने में, तो $660 और $160 यहाँ पे आठवें महीने में हो जाएगा अपना $820। ठीक है सर, इस प्रकार से यहाँ पे $20 के अकाउंट में आप यहाँ पे $1,220 कर सकते हैं सर 10 महीने में। आपको सर यहाँ पे अगर डेली का प्रॉफिट हो जाता है तो यहाँ पे आपको सीखना है सर, 10 महीने आपको सीखना है, सीखते हुए यहाँ पे सर प्रॉफिट करना है। अब सर जो है ना, अगर यदि आप सीख लीजिएगा तो आपके पास नॉलेज भी होगा और पैसे भी होगा सर। अब उस टाइम ट्रेड लीजिए, लोट साइज बढ़ाइए और पैसे कमाइए सर। ठीक है, अभी नए हैं सर, आप लोग नए हैं तो पहले सीखिए सर, सीखते हुए कैसे धीरे धीरे छोटा अमाउंट से पैसे को बड़ा कैसे करना है सर, हमको ये चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए वही चीज़ है सर, यहाँ पे $100 की अकाउंट में, $100 की अकाउंट में सर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पहला महीना में सर 0.01 का लॉट साइज लेना है, डेली का सर $5 प्रॉफिट करना है सर। ठीक है, और डेली का सर जो लॉस रहेगा अपना $10 रहेगा सर पहला महीने में। आप सर हर महीने बढ़ा सकते हो लॉस को भी प्रॉफिट को भी। बाकी सर यहाँ पे देखिए लॉट साइज प्रॉफिट हर महीने कितना बढ़ाना है वो चीज़ें मैं बता दिया हूँ। बाकी सर लॉस आप कितना डेली बढ़ा सकते हो, सॉरी मंथली कितना बढ़ा सकते हो, वो चीज़ें सर आप यहाँ पे अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं सर। उसके बाद सर यहाँ पे देखिए पहला महीना में सर 0.01 की लॉट साइज से यहाँ पे $5 आपका बनेगा। ठीक है, डेली का तो सर 20 दिन में 20-25 $100 आपका होता है, और $100 सर आपने डाला है तो $200 हो जाएगा सर पहले महीने में। ठीक है, उसके बाद सर दूसरे महीने में भी हमको डेली का $5 ही चाहिए, $200 हो जाएगा सर। फिर भी वैसे ही ट्रेड करना है जैसे पहले कर रहे थे 0.01 के ही लॉट साइज से और डेली का $5, फिर सर $100 हो जाएगा, $300 हो जाएगा सर। ठीक है, तो सर ये चीज़ें आप बोलोगे सर ये काम नहीं करता है, काम करता है सर, आप करो तो। ये चीज़ें है, अभी मैं डिसिप्लिन बताऊंगा सर यहाँ पे। देखिए डिसिप्लिन इसको समझिएगा सर, लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, ये चीज़ें अभी पहले समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद सर चौथे महीने में देखिए यहाँ पे आपको 0.01 से लेकर 0.02 तक का लॉट साइज आप ले सकते हैं, और $8 सर डेली का टारगेट आपको रखना है। ठीक है, अब सर देखिए अगर 0.02 का लेते हैं सर, $2 लॉस हो गया, फिर हो गया $2 लॉस, $4 लॉस, दूसरे में $3 प्रॉफिट, $2 प्रॉफिट, $4 प्रॉफिट करके सर $8 प्रॉफिट हो गया। अब आपको छोड़ दीजिए ट्रेडिंग, अब जाइए डेमो अकाउंट में। उसके बाद यहाँ पे क्या है सर कि आप सीखिए, नए नए चीज़ सीखिए, यूट्यूब में सीखिए और कहीं पर भी सीखिए, मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ मेरे से सीखिए, मेरा यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो है उसको देखिए, उससे सीखिए, नए नए मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ डेली बेसिक पे उसको सीखिए, तो सर आप ट्रेडिंग सीख जाओगे 10 महीने सर। यहाँ पे मैं टाइम आप सभी को बोल रहा हूँ ना, इसको फॉलो कीजिए। अगर सर इसको आप फॉलो नहीं करोगे ना, 3 महीने के बाद आपका अकाउंट 0 हो जाएगा, आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिएगा सर। ये चीज़ें हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ट्रेडिंग छोड़े, छोटा छोटा अमाउंट से सर बड़ा कीजिए, ट्रेडिंग भी सीखिए और 10 महीने के बाद आपके पास पैसे भी रहेगा, एक्सपीरियंस भी रहेगा सर, और एजुकेशन नॉलेज सब कुछ रहेगा आपके पास, तो सर आप यहाँ पे छोटे अमाउंट से बड़े अमाउंट करके आप पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें सर। उसके बाद सर इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 महीने में सर यहाँ पे 0.02 से लेकर 0.05 तक का ही ट्रेड लेना है, जबकि आपके पास हो जाएगा सर $1,700, फिर भी आपको 0.02 से 0.05 तक का ही लेना है और टारगेट $15 डेली का रखना है सर। तो यहाँ पे 10वें महीने में आपके पास हो जाएगा $300, तो सर यहाँ पे देखिए आपके पास $100 से यहाँ पे 10 महीने में सर हो जाएगा $2,000। ठीक है, ये चीज़ सर आप फॉलो कीजिए, सबसे कम है सर, सबसे कम चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आपका रिस्क भी कम है, प्रॉफिट भी कम है, लेकिन सर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करते करते यहाँ पे 10 महीने में बड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं सर। मैं यहाँ पे बोलता हूँ अगर आप 2000 नहीं करते हैं, $1,000 भी करते हैं सर, तो फिर आप $1,000 से जब आप ट्रेड करोगे ना एक्सपीरियंस नॉलेज के साथ, तो फिर सर आपको बहुत मज़ा आने वाला है सर। यहाँ पे देखिए इसको सर फॉलो करने के लिए कुछ कंडीशन को सर आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला कंडीशन क्या है कि सर ये मैं पहले महीने की बताया हूँ लॉस, ठीक है, कि $100 के अकाउंट में $10 लॉस करना है और $20 के अकाउंट में $5 यहाँ पे लॉस रखना है सर डेली का। ठीक है, $5 सर और $10 लॉस हो जाता है तो उस दिन ट्रेडिंग मत कीजिए और एनालिसिस कीजिए सर, वाई लॉस, लॉस क्यों हुआ, नोट कीजिए मिस्टेक को, क्या मैंने मिस्टेक किया जो मेरा लॉस हुआ सर, और उस मिस्टेक को दोबारा नहीं करना है सर। ठीक है,
आपका तो $10 लॉस हुआ, $5 लॉस हुआ, लेकिन आपको तो सर सीखने को मिलेगा, ये चीज आपको आगे नहीं करना है सर गलती, ठीक है। उसके बाद सर ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग क्या सर, यहाँ पे एक ही साथ में गोल्ड में भी एक ट्रेड ले लिए, यूरो यूएसडी में भी एक ट्रेड ले लिए, उसके बाद जीबीपी जेपीवाई में भी एक ट्रेड ले लिए, ठीक है। तो सर ऐसा नहीं करना है आपको, एक बार में सर एक ही ट्रेड लेना है। यहाँ पे देखिए वन टाइम वन ट्रेड और सर क्लोज ट्रेड देन सेकेंड ट्रेड, उस ट्रेड को सर जो ट्रेड एक ट्रेड लिए है ना उसको यहाँ पे क्या करना है, क्लोज करने के बाद ही दूसरा ट्रेड लेना है सर। दूसरा ट्रेड क्लोज होगा चाहे प्रॉफिट में हो लॉस में हो, तब जाके सर हम उसको तीसरा ट्रेड चौथा ट्रेड लेंगे, ठीक है। एक बार में सर दो तीन ट्रेड नहीं लेना है तो नहीं लेना है सर, ठीक है। और ट्रेड सर हमको कब लेना है, अगर सर आप सपोर्ट रेसिस्टेंस को भी फॉलो करते हैं तो ये मार्केट नीचे आ रहा है तो बीच में नहीं लेना है हमको, बाय सेल कुछ भी नहीं करना है हमको सर, नीचे आने का वेट करना है। ये कि आपका सेटअप हो गया, सेटअप पे आया आप यहाँ पे बाय कीजिए, मार्केट ऊपर चला गया सर। मैं पिछला वीडियो सप्लाई जोन डिमांड जोन बताया हूँ, उसको जाके देखिएगा अच्छे से समझ में आएगा सर। तो ट्रेड तभी लेना है सर जब आपके सेटअप पर बनेगा, तभी यहाँ पे लेना है सर, ठीक है। जो भी चीज़ आप सीखे हैं कि हैमर नीचे में बनेगा, मार्केट नीचे आ रहा है हैमर बनेगा तो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, तो आप वेट कीजिए नीचे में हैमर का ही वेट कीजिए, हैमर बनेगा तो ट्रेड लीजिए, क्योंकि सर आप सिर्फ हैमर सीखे हो। तो यहाँ पे आपका ये सेटअप हो गया, जो चीज़ आप सर सीखे हैं वो चीज़ यहाँ पे बनता है तो फिर आप उस पर ट्रेड ले सकते हैं। जो चीज़ सर आप नहीं सीखे हैं, ज़बरदस्ती बीच में नहीं घुसना है सर, उस दिन रात में ट्रेड मिलेगा, शाम में मिलेगा, दोपहर में मिलेगा, ऐसा नहीं कि हमको सुबह में ही ट्रेड करना है, नहीं, शाम में लेंगे, 2 बजे लेंगे, है ना, 8 बजे लेंगे, 10 बजे रात में करेंगे, ये चीज़ें हैं सर। तो ट्रेड ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ज़बरदस्ती ट्रेड में नहीं घुसना है सर, ट्रेड मिलेगा तभी ट्रेड लेंगे सर अपने सेटअप पे, ठीक है। अब सर 10 महीने के बाद आपके पास क्या होगा, ठीक है। अभी सर आप $200 $100 $20 $50 डाल के जीरो करके अकाउंट छोड़ देना ट्रेडिंग, ये बढ़िया है कि सर आप $100 डाल के छोटा छोटा अमाउंट से अमाउंट को बड़ा करें 10 महीने में और सीखो, और सीखने के बाद आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट रहेगा, उसके बाद नॉलेज और पैसा दोनों रहेगा तब ट्रेडिंग करेंगे, वो बढ़िया है सर। अभी आप 1-2 महीने में जीरो कर दीजिएगा वो बढ़िया है, या फिर आप 10 महीने के बाद आपके पास वही $100 से $1,000 $500 $1,500 $2,000 रहेगा उससे ट्रेडिंग करोगे तो बढ़िया है सर। मेरे हिसाब से आप पहले सीखो, सीखने के बाद सर आपके पास धीरे धीरे आप $1 भी कीजिएगा ना तो 10 महीने में $300-400 हो जाएगा सर, $20 से, समझे, आप उससे ट्रेड कीजिएगा तो $300 से भी आप बहुत पैसा कमा सकते हैं जब आपके पास नॉलेज रहेगा तब सर, ठीक है। तो मेरा मकसद सर इसमें यही बताना है कि पहले आप सीखिए, कहीं से भी सीखिए सर, ठीक है। मैं भी यहाँ पे आप सभी को फ्री में सिखा रहा हूँ, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, हमारा एक सर व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, सारे कुछ सर फ्री है, मैं यहाँ पे चार्ज नहीं करता हूँ, ठीक है। बाकी सर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए सर, लाइक भी कीजिए और चैनल को सर सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर मैं स्ट्रेटजी सारे चीज़ मैं ट्रेडिंग के रिकॉर्डिंग में डालता हूँ सर, आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा हमारे इस चैनल से, ठीक है। दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सर आपको समझ में आया होगा। बाकी सर कोई भी डाउट प्रॉब्लम सवाल है ना तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मेरा नंबर सर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।